करेंगे। आपको नंबर मालूम नहीं है, बिना नंबर कैसे दिया गया विद्यालय बताइए। हम जवाब दे देंगे, कैसे जवाब देंगे। आप पढ़ लीजिए, इनके बाप के दागे नगर निगम, नगर निगम रूम प्रबंधक कमेटी ने इलाज किया जब सोचिए थे प्रधान से सतही प्रधान वहाँ इलाज नगर निगम नहीं आप नगर निगम के बाहर नहीं नगर निगम नहीं तो दस्ते हो जाएंगे। अरे सुनिए आप चाहते हैं यही मसमस हो जाए, अभी हो रहा था ये दूसरा अभी ये भी बहुत बड़ा मामला और ये व्यक्तिगत मामला नहीं, सुनिए स्कूल का मामला। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रताप है, पूर्वांचल सेना का मैं अध्यक्ष और सुन लीजिए मेरा इतिहास उठा करके देखिए। आप लोगों ने गलती किया है उसको एक्सेप्ट करिए, वो विद्यालय की जमीन है, कहीं से भी घूम आ गया नहीं आता है और आपने उसको जवैया तोड़ा। आप चाहते हैं जल्दी हजार लोगों को लेकर के धरना दें यहाँ पर तो यही होगा, उसकी बाउंड्री करा दीजिए, जो आप लोगों ने नुकसान किया है उसकी भरपाई करिए। आपके काट करने का तरीका हम लोग देख रहे हैं, जब 50 लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे तभी आप लोग सुन रहे हैं। कायदे से आदमी बात कर रहा तो आपका लहजा देखिए क्या बताइए। जिस विद्यालय को लेकर के आज हमारा जीडीए सचिव गोरखपुर से बहस चल रही है, वो विद्यालय 26 जनवरी 1978 को बनाया गया था गोरखपुर के बशारतपुर में और विद्यालय का नाम रखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा निकेतन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा निकेतन के नाम से ये जो स्कूल विद्यालय बना हुआ था इसका जो गाटा संख्या है वो 379 और 580 है, लेकिन इस 379 और 580 गाटा संख्या को 588 बता करके तोड़ा गया है, जबकि 588 जो है वो यहाँ से विद्यालय से 1 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद जीडीए प्रशासन ने या यह कह लीजिए कि इस मनुवादी प्रदेश सरकार के शह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से चलने वाला सबसे पुराना विद्यालय तोड़ करके जमींदोज कर दिया। आज जब जीडीए प्रशासन से इस बारे में सवाल पूछा जा रहा है तो वो आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि एंटी भू माफिया के अंतर्गत इसको तोड़ा गया है, जबकि स्कूल या विद्यालय एंटी भू माफिया के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। कभी कह रहे हैं कि ये जो जीडीए की जमीन है, कभी कह रहे हैं ये नगर निगम की जमीन है और कभी कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इनकी बेहयाई से स्पष्ट है कि इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के नाम से चल रहे स्कूल पर अपना इंटेंशन दिखा करके और स्कूल को तोड़ने का काम किया है। तो हमको सड़क पर उतरना पड़ेगा क्योंकि हम लोग हर स्तर से सारे अधिकारियों से मिल करके बातचीत कर चुके हैं, रख चुके हैं, लेकिन ये अधिकारी बेहयाई कर रहे हैं और सुनने को तैयार नहीं है। अभी दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ा गया है, उसके लिए आंदोलन हुआ तो दूसरी जगह मंदिर बनाने की बात चल रही है, लेकिन ये मंदिर से बड़ा चीज़ है, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से चल रहा विद्यालय बड़ी बात है और ये गोरखपुर का सबसे पुराना विद्यालय है बाबा साहब अंबेडकर के नाम से चलने वाला। तो हमको इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए सड़क पर उतरने की तैयारी करनी होगी और इन भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों को, नेताओं को, इसमें सम्मिलित लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। आप सभी को जय भीम। मेज कुर्सियां अलमारियां सब है, सारे पूरा लिंटर ही गिरा दिया गया है, छत ही गिरा दिया गया है, कई लाखों का नुकसान हुआ है। बाउंड्री की जो लैट्रिन बाथरूम है, बच्चे हमारे स्टाफ का सब वो तोड़ दिया गया है। अभी स्कूल खुलेगा जुलाई में तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जी जी, वो रिकॉर्ड मेंटेन भी खत्म हो गया, मेंटेन सब उसमें तोड़ दिया गया, रिकॉर्ड मेंटेन खत्म कर दिया गया। और ये सबसे खेद की बात है ये कि ये बताइए, अगर बिना सूचना के आप मेरा विद्यालय तोड़ते हो, चाहे गवर्नमेंट ही अगर ये ऐसा कर रही है तो उसको एक बार सूचना लिखित देनी चाहिए कि हाँ मैम ये ऐसे कर, हम तोड़ना चाह रहे हैं। हम एक प्रोसेस के तहत तैयारी कर लेते, सबको मालूम चल जाता कि अगल बगल भी बिल्डिंग है, उसमें बच्चे सो रहे थे, उनके बिल्डिंग से लड़ करके अभी छत वापस आया है और सपोज वो भी बिल्डिंग गिर जाता तो बच्चे अभी मर जाते। जी जी, जैसा मैंने बात किया है, उनकी लिंटर हिली है तो उनको लगा ऐसा कि भूकंप आ रहे हैं तो उन्होंने बाहर बाहर निकला और उन्होंने विरोध किया, जैसे कि उनकी खिड़कियां भी टूटी हैं, मैंने देखा है खिड़कियां टूटी हुई हैं और शीशे भी टूटे हुए हैं। मैंने उनसे बातचीत किया है
ऑफिस से बात कर लिखा छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे दस्तखत नहीं भाई, हर जगह हमारे दस्तखत क्यों कह देते हो? हम नहीं है, हम नहीं है। छत्तीसगढ़ के अनुसार गिराया गया, छत्तीसगढ़ के अनुसार इसमें कहा लिखा है स्कूल गिराया गया? यदि कहाँ कहाँ आप पहले लगवाएंगे, आप पहले हमको बताएंगे गिराया क्या? कहाँ कमिश्नर साहब से तो उन्होंने कहा बात हम ठीक है, जैसे पहुंचे सबको वहाँ इकट्ठा कराइए, विक्रम को बोल के मार्ग से निकलवाइए, यहाँ सारे संपत्ति जी नहीं, और विक्रम को कहिए सबको बुला के लिया है और संपत्ति बुला के आ रहे हैं, अधिकारी लोग निकल रहे हैं, ये लोग पर्ची यहाँ बन रही है और पर्ची मत का प्रयोग करेंगे सारे लोग, वहाँ मौके पे पहुंचे हैं, जिसको वॉकआउट करना वॉकआउट करें ठीक है। और दूसरा ये कि अपने जो लोग आ रहे हैं नाम ना उनको चाय पानी विक्रम से कहिए कराते रहेंगे नाता ठीक है भैया। हम क्यों जवाब देते हैं? विक्रम गुप्ता लिखा है गोरखपुर विकास प्राधिकरण कह रहा है हमारे अधिकारी ने। हेलो जन सूचना का ही अलग है हम सब। हेलो विभाग आप ये भूम के मालिक है आप क्या कैसे माने? अभी आधे घंटे फोन करें लोग मीटिंग में आने के कारण सर कोई व्यक्ति ने संपर्क दी नहीं कार्यालय सार्वजनिक एक हम संतान किसी के आए हम सूचना बता रहे बता सुनिए सुनिए संपर्क करना गए नहीं किसी को बना वो तो विद्यालय की जमीन है गलत आप उसको अरे भाई लिखा है खतौनी आप उसको चेंज करा दीजिए। विद्यालय नगर निगम विद्यालय नगर निगम की जमीन भले हो तो नगर निगम तो विद्यालय है कब्जा में उसमें विद्यालय है कि नहीं बिना हुआ विद्यालय नगर निगम नहीं देखिए हम स्पष्ट आपको बता रहे हैं नगर निगम नहीं देगा आप देंगे और हमें नहीं देखना ट्रांसफर होता है मंदिर है ट्रांसफर होता है बगीचा है बगीचा ट्रांसफर होता है सड़क है वो ट्रांसफर होता है जो कोई काम सवाल मिलता है सड़क पालिका में आता इस प्रकार और आप वहाँ पहले ये जानना चाहते हैं कि किराया क्यों देखिए सब्सिडी की बात है वो समझ लिया है और ऑर्डर को वो सार्वजनिक विद्यालय हमारा उसमें कुछ व्यक्तिगत भैया आप करिएगा बाकी आपके सब भ्रम फैला है आप क्या करेंगे आपको नंबर मांगने बिना नंबर किसी भी आगे विचार बताइए हम जवाब दे देंगे कैसे जवाब देंगे।